मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा एंड थैंक यू सो मच टू एवरी वन टेलर को इतना प्यार देने के लिए. मैं कॉमेंट्स जाकर पढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स थे उसके, बड़ा मज़ा आया पढ़ के. आई जस्ट होप के लोग मूवी को भी इतना प्यार देते हैं. यामी जी के साथ आपने काम किया, कैसा रहा उनके साथ स्क्रीन पे? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है रामी जी के साथ. आई थिंक एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज मुझे याद है हम पहली बार जब सेट पर मिले थे, तब यूजुअली क्या होता है कि आइस ब्रेक करने के लिए आप यावा की बातें करते हैं, बट यामी सो फोकस्ड अपने काम पर रहकर कि पहले दिन आते ही सेट पर मुझे याद है उन्होंने शुरू कर दिया था सीन के बारे में बात करनी. बट बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज आपको फिर रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये काफ़ी अपने काम को इतना तवज्जो देते हैं तो आपको भी और ज़्यादा प्रोपेल्स यू टू गेट योर चीज़ें. चोर निकल के भागा, ये बहुत ही मतलब कैची टाइटल है, कैसे आया ये? आई थिंक हम बचपन में वो गेम खेला करते थे अक्कड़ बम्बे को, या तो पॉइंट टॉस हुआ करता था या तो अक्कड़ बम्बे को. अच्छा, निकल गया. फिल्म भी वैसा ही कुछ है. आई थिंक ये अमर कौशिक जी जो है जिन्होंने उनका ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने ये टाइटल सजेस्ट किया था एंड प्लीज कम आउट विद द टाइटल. जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एप्ट फिल्म देखकर आपको पता चलेगा. जी इट रियली डिपेंड्स. एक्चुअली पहले जब प्लेन में शूट किया था तब वो एक सेट क्रिएट किया गया था शिद्दत के टाइम पर, जहाँ से मुझे टेक दिया जाता है बेसिकली. इस समय भी सेट क्रिएट किया था, तो सेट ओबियसली आप रियल प्लेन में तो शूट कर नहीं सकते, तो सेट क्रिएट करके उसके अंदर आप शूट करते हैं. काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है फिर फुल ओवर करना चाहिए. तो आई होप सो. आई थिंक प्लेन मेरा लकी पासपोर्ट बन जाएगा. पता लगा मैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जाके बोल रहा हूँ सर इसमें प्लेन डाल दो, है नहीं कोई डाल रहा हूँ. मैं बस ये कहना चाहूँगा यार थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए. अब तक अभी प्लीज़ देखिएगा, फिल्म आ रही है बस कुछ ही घंटों में. सो एंड आई होप ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे एंड आई एम श्योर ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे.